जय श्री महाकाल। मैं गोरखनाथ अघोरी। पांच लौंग से वशीकरण करना सीखा है। पांच लौंग से वशीकरण कैसे होगा? आपको पांच लौंग लेनी है, काले तिल लेने हैं, केवड़ा जल लेना है। ये तीनों चीज़ अपने पास रखनी है। इन चीज़ों को पास रखकर अपना वशीकरण का कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। यह किस तरीके से करेंगे, यह रात्रि 8 बजे आपको प्रारंभ करना है और 8 बजे से बैठकर आसन लगाकर ये तीनों चीज़ अपने पास रखनी है। इसे अपने पास रखने के बाद आपको कुछ मंत्र का उच्चारण करना होगा। कुछ मंत्रों का उच्चारण करना होगा। 108 बार दो मंत्र दिए जाएंगे। उन मंत्रों को 108 बार बार 108 बार जाप करना है। और जो भी वशीकरण आप करना चाहोगे किसी के भी ऊपर या किसी को भी वश में करना चाहोगे, तो यह पांच लौंग द्वारा और काले तिल द्वारा और केवड़ा जल द्वारा और आपके दिए हुए आपको दिए हुए दो मंत्रों द्वारा यह आप संपूर्ण तरीके से कर सकते हैं। यह है कोई झूठ नहीं है, यह है एक सच्चाई है, ये एक वास्तविक ज्ञान है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। ये दोहराया हुआ ज्ञान है जो कि कई बार इस्तेमाल भी किया जा चुका है। आप भी अपना कोई भी परेशानी या कोई भी दिक्कत है तो इस वशीकरण द्वारा आप अपने कार्य को कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि नाजायज़ काम के लिए, गलत काम के लिए यह वशीकरण ना करें। बस आपसे यही विनती है, गलत काम के लिए वशीकरण ना करें। जय श्री महाकाल। बाकी कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क करें।